हाँ जी, क्या चाल जय जुड़ा तो फिलहाल मैं स्वागत कर रहा हूँ सबका आज की एक नई वीडियो के अंदर। सो गाइस फिलहाल जैसे कि आप लोगों ने सामने देख ही लिया, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रामनगर, यानी कि जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा, उस इलाके में पड़ता है रामनगर। दरअसल वहाँ पे हमारी बुआ रहते हैं और उनकी जो लड़की है उनकी शादी हुई है हमारी दीदी की, तो वहाँ पे जाना है। और नहीं तो मैं घर के कपड़े पहन के जा रहा हूँ, बात कुछ हुई थी जो मैं कमीज पहन के आया था ना यहाँ पे, वो पता नहीं कैसे फट गया साइड में से यहाँ से ना, तो फिर मैं यही पहन के छोड़ना ट्रेन पे जा रहा है अपने यही पहन के जाएंगे। तो फिलहाल अभी हमारे सारे पैसेंजर यहाँ पे बैठ चुके हैं, ये छोटे मोटे लोग, और हमारे सेठ जी का फोन आ चुका है। मेरी बेटी कैसी हो तू? अभी गए हमारी बुआ और भी आने वाली है ना, तो उनका इंतजार हो रहा है, वो आएंगे फिर जाएंगे। ओके, अभी अभी जस्ट एक ट्रेन आई है, देख लो इतनी भीड़ आई है, लग रहा है ना तगड़ा सी। पहली बार मैं एक्सीलेटर पे चल रहा हूं। ऑलराइट गाइस, तो अभी सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, बुआ और भी, और अभी हमारी बस आएगी यहाँ पे 10:05 PM, ये पहुंचेगी 10:05 पे यहाँ पे, और शायद 10:10 पे निकलेगी, 10:55 पे, 11:10 मिल जाएगी हमें, 10 मिनट में बारे में चढ़ना है वही। तो ये ट्रेन गाइस बहुत ज्यादा डिले हो जाती है, तो पता नहीं हम लोग रात को ही पहुंचे ना पहुंचे, रात को 1 बजे पहुंचे 2 बजे पहुंचे। और ये देखो गाइस, इसान वाले बोलो, ये उत्तर प्रदेश की घर है, उत्तर प्रदेश का इलाका है। और अभी ना जैसे हम वहाँ से आए थे पंचकूला से, तो वहाँ पे ज्यादा भीड़ पार्क भरा हुआ था, अभी खाली खाली सा हो गया, तो मतलब हम यहाँ बैठे पहले अभी देख लो ऊपर नीचे सब जगह खाली है। ईशानू कहाँ जा रहे हो आप? रामनगर क्या है इसकी? तुमको यही नहीं पता दीदी की है मौसी की? खाली बेइज्जती करवाते हैं मेरे फ्यूचर। अम्मा आज आपकी आखिरी पोती की शादी है, आज ही नहीं मतलब 2-3 दिन बाद, आपको कैसा लग रहा है? कितनी पोतियाँ हो गई यार, ये देखो बच्चे चिंगम खा रहे गाइस, आप चिंगम मत खाया करो, चिंगम खाना बहुत ज़्यादा, तभी कह रहा हूँ बच्चों को चिंगम देके बिगाड़ रहे हो आप। ओ मामी मौसी दीदी, तुमने बच्चे बिगाड़ रखे हैं बस चिंगम खाने से। ना चुभने लगा हूँ सबको। तो गाइस अभी हम वहाँ पे पहुँचने वाले रहे हैं, अभी यहाँ से 2 घंटे का और से पड़ रही है, पता नहीं कहाँ पहुँचने मुराद है, बात ढूंढने से आया था, ये दूसरी बार खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो यहाँ चैलेंज चल रहा है, चम्मच नहीं चमचा है भाई। इसका बच्ची है, देखी जा रही है, वो जाएगी नहीं वो बच्ची ऐसी कुछ भी। अभी हम पहुंचे काशीपुर और देख रहे हैं यहाँ पे धान एकदम धरती पे लग रहे हैं, एकदम मस्त खिले हुए धान, ये देखो यहाँ भी लगाए नहीं है, सोई फैंट्री वगैरह आ जाती है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे काशीपुर, और काशीपुर का रेलवे स्टेशन पे अभी यहाँ पे 8:20 पे हमारे यहाँ से नेक्स्ट ट्रेन आएगी। फिलहाल इस ट्रेन में से हम लोग उतरे थे, अब अगली ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, ऊपर चढ़ के उधर जाके फिर नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। ये देखो गाइस ये जो बोतल है ना यहाँ पे 1 लीटर से थोड़ी सी ज्यादा होगी, ये भी 80 रुपए की मिल रही है, मतलब महंगाई देख रहे हो तुम कितनी ज्यादा, ये 50 रुपए की, ये 50 रुपए की, इतनी महंगी महंगे सामान यार, झूठ बोलो, मैं फ्लेक्स करके ज्यादा बोली, तूने कम कर दिया सच। अरे मैं फ्रॉन ओवर एक्टिंग की दुकान। अभी ऐसे दौड़ रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पता है क्या ड्रामे होंगे इनके, कमर में दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अबे ये ऐसे ही है भाई इनका, दिखाता हूँ मैं, देखूँ। सो गाइस ये देखो, वैसे कि ये भी अच्छी जगह है, यहाँ ना इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, मतलब काशीपुर में ऐसा कहा जाता है, एक तरह से उत्तराखंड का ना इंडस्ट्रियल हब है ये समझ लो, यहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज है इस एरिया में, यहीं पे काम करने आते हैं लोग दूर दूर से, ठीक है। अभी हम ऐसे ही बाहर आ गए थे क्योंकि थोड़ा टाइम बचा है हम पे, क्या लेने आए वैसे हम बाहर, जो सस्ता मिल गया, गाइस हमने सारा सामान ले लिया है, तो वो जिस पता क्या होता है चेलिया का, तो केस हाथ दे दो और लड़कियों को तो हाथ दे दो सिर दे दो, फिर भी टोकना तो टोकना ही है। ये तो गाइस ये ना मेन इसकी एंट्रेंस ही नहीं है, इधर से है यहाँ पे लगा हुआ है गेट, मतलब इधर से बनेगी एंट्रेंस, अभी बना रहे हैं शायद मेरे ख्याल से इसे, तो ये कॉल है थी हमारे वहाँ बोलते हैं यू कॉल है गई, हम कोई अकेले छोड़ गई, मतलब ये कहाँ चले गए, हमें अकेला छोड़ के ऐसा बोल रहे कह रहा सब जानी नहीं रहा था, हमको छोड़ गए, हम ट्रेन है जल्दी, हमको सीधा सामान हो, बाद में नीचे सब टाइटल लगा दूंगा, अपने आप समझ जाओ। 10 रुपए का चिप्स यहाँ, 20 रुपए का चेक, उसके साथ एक फ्री भी लेके, हाँ, वो मतलब यहाँ पे हमारे साथ होते हैं फ्रैंक, जो हमारी ट्रेन आने वाली थी 8:30 बजे, अब आएगी वो 10:50 आएगी। कैसा लगा आपको ये जान के? 10:50
दस बजे तक सो जाओ। चला गया उधर ही जा डेरी। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हैं ढाबे पे, यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे अपने लिए खाने के लिए खाना थोड़ा बहुत, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत दूर से खा के जा रहे हैं अपने आराम से। इस मेन्यू में से कुछ कुछ हमने सेलेक्ट कर लिया जो हमारे लिए जरूरी था खाने के लिए, वो लेके वहीं बैठ के आराम से खाएंगे। अभी हम पंखे की हवा खा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया सारा सिस्टम। अब दाल है हम पे, रोटी है और थोड़ी सी बची वो है, रायता वगैरह पड़ा है, दही लेके आए वहाँ से। ईशानू कहाँ खा रहे हो आप, कूँ क्या खा रहे हो आप, ये कहाँ देख लो तुम, सब्जी है नहीं कड़ी है, वो तो कड़ी है नहीं लिखाई जेड़ा कड़ी है वो। कुछ भी। हाँ जी मित्रों, तो पहुंच चुके हैं हम लोग रामनगर के रेलवे स्टेशन पे रात के 22:30 पे, यानी कि 10:30 पहुंच गए हैं। ठीक है, ठीक टाइम पे पहुंच गए। और यहाँ से ना पैदल आना पड़ता है, मतलब ऊपर से पहले नीचे, फिर नीचे से आके फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है, ऐसा सीन है। अब यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे फिर जाएंगे अंदर। जितने भी लोग सबके सब जाएंगे यहाँ खाते हैं। ये देखो ओए नवी, हाय बोलो। तो मित्रों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर में। अभी रात के 11:09 हो चुके हैं और मेरे को दिखाई नहीं दे रहे से नाइट ऑन करके, तो मैं आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने में दिक्कत हो रही है मेरी। होप सो कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसके अलग 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 पार्ट्स आएंगे, मतलब शायद दिए यहाँ पे, तो बास तो आते रहेंगे जो आगे आगे देखेंगे क्या बढ़िया बढ़िया पार्ट्स आने वाले हैं आपके पास। फिलहाल सब लोग यहाँ पे बैठक में बैठे हैं और पानी पूरी पियेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। ये देखो जो ब्लॉग बनाता हूँ मैं, जोशी कैसे खा रहा है बेचारा नीचे बैठ के, कुर्सी में तो भेजा आराम से। वो उसकी बुआ खा रही है सर ये।